खबर टॉक की देवली से है, जहां एवन टीवी की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई। जी हां, बीसलपुर डैम के लैंडिंग सेंटर में फंसे हुए 170 प्रवासी मजदूरों की खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने लोगों की सुध ली है। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और फिर से उन्हें बसेस में रवाना किया गया। इस दौरान मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहां पर मजदूरों के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देवली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की यहां पर प्रशासन ने सुध ली। एवन टीवी की खबर का यहां पर असर देखने को मिला। लैंडिंग सेंटर में फंसे हुए मजदूरों को यहां पर बसेस में रवाना किया गया अपने अपने घरों के लिए। प्रवासी मजदूरों की यहां पर प्रशासन ने सुध ली है और सुध लेने के बाद में इनकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद में बसेस में इन्हें रवाना किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कितना संतुष्ट और निश्चिंत ये मजदूर अब हैं, अपने अपने घर जाने को लेकर उत्साहित भी हैं, क्योंकि काफी ज्यादा समय से इनकी परेशानी अभी पूरे देश में चल रही है। प्रदेश में भी लगातार सरकार ये मुहिम उठा रही है कि किस प्रकार से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपने अपने गृह राज्यों में भेजा जाए। एवन टीवी की खबर के प्रसारण के प्रसारित होने के बाद में यहां पर ये प्रशासन के द्वारा इनकी जानकारी जुटाई गई और तमाम उन मजदूरों को जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में थे बसेस में सैनिटाइज, पूरी तरीके से सैनिटाइज ये बसेस हैं जहां पर इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में बिहार के मजदूर फंसकर रह गए, इस दौरान इनकी हालत क्या हो गई, जिनके लिए प्रशासन की ओर से न कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई, मजबूरन सभी मजदूरों को अपने खर्चे से ही खाने पीने की चीज़ें खरीदनी पड़ी। इस संबंध में एवन टीवी ने गत 10 मई को खबर चलाई, इसके बाद प्रशासन ने इनकी सुध ली। इस दौरान प्रशासन की ओर से आज करीब क्षेत्र के 300 बिहारी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ कुछ मजदूर हैं जिनसे हम इस संबंध में बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर, मैं बिहार पूर्णिया जिला से हूँ और हम यहाँ सीता गोपालपुरा में 4 महीने से काम कर रहे हैं। 4 महीना से जो काम कर रहे थे तो अब ये सर सौ